को लेके क्या विवाद है सुनेलाल जी के साथ? ये जो कर रहा विवाद वो जाने, नाम चारों लोगों का है, जब चारों लोग का है, पटेल साहब लेटर में कल था कि मेरा नाम काटा गया, बट उनको जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ रही है, काट दिया हमारा नाम, उनको उनको जितना बताया जा रहा उतना ही मालूम है, नाम है हम लोग को ये राइट ही नहीं है हम उसका नाम काटे, ये किस नाम है, चारों लोग के नाम है, किसी को राइट नहीं, किसी की भी ट्रस्ट में राइट नहीं है, ये जितने लोग बैठे हैं किसी के भी उसमें नहीं है, ये सिर्फ चारों को बांटने को तैयार हो तो क्यों गुहार लगा रही है, कहीं ना कहीं इसको भ्रमित किया जा रहा है। कृष्णा जी क्या मानती है कि आपके परिवार में इस तरीके का जो फूट डाला जा रहा है, मंत्रियों को अलग किया जा रहा है, किसका सबसे बड़ा रोल है इसमें? ये इसमें कहीं ना कहीं भाजपा भी शामिल है, और दूसरी बात यह है ये चुनाव के टाइम क्यों करा जा रहा है, तो खुल के बताइए ना कौन ये कर रहा है, आपके परिवार में इस तरीके का लड़ाई झगड़ा जो बीच में भाजपा वाले भी करवा रहे होंगे, आपको धमकियां मिल रही हैं, आप लगातार कर रही हैं कि प्रचार मंत्री धमकियां मिले, हाँ। हर कोई पास कॉमन एक रिकॉर्ड होता है, एक नंबर होता है, किस थाने में आपने उसकी, मेरे पास अभी तक वो असल में मेरे पास अभी तक छोटा फोन था, वो फोन नहीं था बड़ा वाला, अभी तक अच्छा, आपने कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं करा, नंबर नहीं, मैंने दोबारा फोन किया तो वो फोन लगता ही नहीं, नंबर जारी क्या है, वो जो धमकी अब तो मेरे पास वो फोन नहीं है, लेकिन लोगों का राय है कि एक संपत्ति बटोर रही है, एक फर्जी तरस रखी है, अगर वो कोई धमकी दिया होता तो आप कहीं एफआईआर कराती, लेकिन आज तक आपने नहीं कराया, सुमित कहना यह है लोगों का कि वो एक संपत्ति बटोर रही है, कितना सही है, अगर लोगों का कहना जिस तरह से आपको लग रहा संपत्ति बटोर काहे बात की संपत्ति मिलेगी मुझे, प्रेस आपकी है कि प्रेस आपकी है कि मेरी है, तो आपने सार्वजनिक नहीं किया, बताइए बताइए समाज कर रहा है, जबकि अमन आपके साथ ही रहते हैं, आपके घर में ही रहती है, छत में रहते हैं आप लोग, फिर भी कौन अमन को गुमराह कर रहा है, ये तो मीडिया को बताना पड़ेगा, क्योंकि जो भाषा लिखी है अमन ने वो भाषा अमन की नहीं है, किसकी भाषा है वो, भाषा आशीष जी की हो सकती है, तो क्या मानती है कि आशीष जी अमन को भड़का रहे हैं, मोहरा बना के सामने ला रहे हैं, उनको एज ए मोहरा यूज किया जा रहा है, एज ए मोहरा यूज किया जा रहा है, वो नादान है, वो समझ नहीं पा रही इस चीज को, तो ये बताएं कि अमन से क्या आपकी बात हुई इधर बीच की, क्यों आखिर क्यों अमन ऐसा कर रहे हैं, इधर बीच आपकी बात हुई क्या अमन से? नहीं, अमन से अभी नहीं बात हुई है, जब मैं घर में थी तब मैंने उसको समझाया था, और मैंने ये भी कहा था जो भी कुछ लेना है तुम लोग को 5 नहीं 4 हिस्से करके तुम लोग बांट लो, इस प्रॉपर्टी की छीछा लेदर मत करो, और इस हिसाब से बांट लो कि सबके काम आए, मैंने खुले शब्द 20 तारीख को पुलिस के पास भी DGP के पास एक लिखित मैंने रिपोर्ट दी है, और मैंने कहा है मुझे सुरक्षा दीजिए, लेकिन मुझे सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है, नहीं अभी तो सरकार, अब तो चुनाव आयोग है, आप आयोग के पास भी तो जा सकती है, और अगर कोई आपके पास कॉल आ रही है तो क्या हम लोगों के नंबर देंगे, दिखाएंगे क्या? नहीं हम उस पे बारी 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 बारी। कृष्णा जी अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया था या चुने गए थे 2016 में, आपकी ही बेटी अमन ने आरोप लगाया है कि शिवराज को लाके हमको प्रबंध समिति से जो भी आपकी ट्रस्ट में समिति है हमको हटाया गया, अमन आप शिवराज का पक्ष ले रही हैं और अमन कह रहे हैं कि शिवराज की वजह से मुझे हटाया गया, ये ट्रस्ट मेरा नहीं बनाया है, ऐसा कहीं डॉक्टर पटेल का बनाया हुआ है, चारों बेटियों के नाम है, मुझे ये हटाने का अधिकार है ही नहीं, तो अमन क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या दिक्कत है कि आपकी बेटी आपके साथ नहीं, जबकि साथ ही रहती हूँ कानपुर में एक ही मकान में माँ बेटी है, हाँ हम लोग साथ रहते हैं, इसके पीछे क्या मानती है, वजह क्या, क्यों अमन विरोध कर रहे हैं, कोई ना कोई उसे गुमराह कर रहा है, कौन खुल के नाम बताइए, चुनाव टाइम आ गया, कौन कर रहा है ये अचानक इस परिवार में सोनेलाल, और ये चुनाव के समय ही किया जा रहा है, ये इससे पहले इतना विरोध नहीं किया जा रहा था, उससे पहले अमन का नाम नहीं आया था, मैं 2 महीने से घर ही नहीं गई, और मैं घर पहुंचती हूं तो मुझे तमाम तरह से रोका जाता है, मेरे पास अननोन कॉल तमाम प्रकार के आ रहे हैं, जातिवाद जनगणना के लिए रोका जा रहा है, इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहती हूं कि मैं डॉक्टर पटेल की अर्धांगिनी हूं, उनकी पत्नी हूं, कितने भी मोड़ मेरे जीवन में आए मैं रुकने वाली नहीं हूं, और मैं अखिलेश जी का साथ दूंगी, से मैंने सपा के कार्यालय में पहला कदम रखा है, उस दिन से मेरे घर में इनकम टैक्स की नोटिस गई है, उसके बाद तमाम तरह के अननोन फोन मेरे पास आते हैं, मुझे रोकने का काम किया जा रहा है, मुझसे कहा जाता है आप जातिवाद जनगणना डॉक्टर पटेल की CBI की जांच को मत कहिए, आप सभा के कार्यालय मत जाइए, अखिलेश जी का साथ मत दीजिए, उनका मंच साझा मत करिए, मेरे सारे खाते सील कर दिए गए हैं, बहुत पुराने हमारे
पटेल साहब के साथ रहे हमारे ट्रस्ट के साथी, जिन्होंने 2016 में इस्तीफा दे दिया है, उनको नजरअंदाज। संस्थापक रहे देवी सिंह पटेल का स्वास्थ्य देखने आई थी, उस उपरांत मैंने सोचा मैं आप पहला कदम रखा है। उस दिन से मेरे घर में इनकम टैक्स की नोटिस गई है, उसके बाद तमाम तरह के अननोन फोन मेरे पास आते हैं, मुझे रोकने का काम किया जा रहा है, मुझसे कहा जाता है आप जातिवाद जनगणना डॉक्टर पटेल की सीबीआई की जांच को मत कहिए, आप सभा के कार्यालय मत जाइए, अखिलेश जी का साथ मत दीजिए, उनका मंच साझा मत करिए, मेरे सारे खाते सील कर दिए गए हैं। बहुत पुराने हमारे पटेल साहब के साथ रहे हमारे ट्रस्ट के साथी, जिन्होंने 2016 में इस्तीफा दे दिया है। आप मैं नहीं बताएं कि कल आपने बनारस में ये बोला है कि आपको धमकी दी जा रही है, आखिर कौन धमकी दे रहा है? क्या आपने पुलिस को अननोन नंबर से आया? तो क्या वो नंबर आप प्रेस के सामने जारी कर रहे हैं? पुलिस का क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि आप सिंपैथी गेन करने के लिए। यार काहे की सिंपैथी मुझे मिलेगी, मैं तो एक प्रधान भी नहीं हूँ, काहे की सिंपैथी मुझे मिलेगी बता दी। तो क्या वजह है मैम जो आप थाने नहीं जा रही है, कंप्लेंट कर रही है, आपको धमकियां लगातार मिल रही है? आईजी डीआईजी को कह चुकी, मैं लिखित कर चुकी, लखनऊ में दे चुकी। किसी थाने में कंप्लेंट किया? किस थाने में आपने कंप्लेंट? मैंने आईजी डीआईजी को दिया। कंप्लेंट नहीं किया किसी थाने में? बेटी को लेकर के लगातार मामला चल रहा है, अमन पटेल का क्या मामला चल रहा है? अमन पटेल का अखिलेश यादव से गुहार लगाई है। रुको सुमित, अमन पटेल क्यों आपसे नाराज है? क्या वजह है कि आपके साथ नहीं है? क्योंकि वो आप पे और पल्लवी जी पे आरोप लगा रही हैं कि आप लोगों ने उनको डॉक्टर साहब के पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया, क्यों नहीं है अमन जी आपके साथ? देखिए क्या क्या चीज़ें मैं सड़क पे ले आऊँ, वो लोग पागल हो गई, मैं भी पागल हो जाऊँ क्या है? मैंने जो अपनी संपत्ति बनाई है, ऐसा तो था नहीं कि मैंने पहले बना ली है, बच्चियाँ बात को ही हैं, बच्चियाँ पहले थी, बात को संपत्ति बनाई है। और मुझे मालूम था, हर माँ बाप को मालूम होता है जो संपत्ति हम बना रहे हैं मेरे बच्चे मालिक हैं, हर किस हर माँ बाप को मालूम है, उसको देने का अधिकार मुझे है, देने का अधिकार डॉक्टर सानीलाल पटेल जी को था, तो बच्चों के लिए ही बनाया, कहने से नहीं उनके ख़त्म हो जाएगा अधिकार, ये प्रेस में कह देने से ख़त्म हो जाएगा। और कोई बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा इतना नादान भी नहीं होता है जो ना माने। क्या आपने अभी भी मैं छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ, नवंबर में मैंने चारों बच्चों को बैठा के मैंने कहा मुझे पांचवा हिस्सा नहीं चाहिए, चार हिस्से कर लीजिए, आपको जो चाहिए वो हिस्सा ले लीजिए। हालांकि पल्लवी और पारुल ने ये भी कहा पहले आप लोग ले लो, उसके बाद जो बचे हमें दे दो, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा इस प्रॉपर्टी की चीछा लेदर मत करना, आराम से ले लो, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा? समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? फिर मैम नाराजगी किस बात को लेके है? क्या मिसगाइड है या फिर क्या वजह मान? मिसगाइड करने वाले लोग खड़े हुए हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं, इस घर की खिल्ली उड़ाने वाले लोग खड़े हुए हैं वो कर, और ये चुनाव आते ही हो रहे हैं, चुनाव हो जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। अमन को कहा जा रहा है कि